आज की रेसिपी बहुत ही सिंपल और आसान है ये, और ये एक गुजराती रेसिपी है और ये सबको बहुत पसंद आने वाली है। आप इसे ब्रेकफास्ट में खा सकते हैं, लंच में खा सकते हैं, डिनर में भी खा सकते हैं, और सबसे बड़ी बात आप इसे ट्रैवल के लिए जा रहे हैं, कहीं घूमने के लिए जा रहे हैं तो उसमें भी आप लेके जा सकते हैं इसको। तो चलिए इसको देखते हैं कैसे बनाएंगे। हेलो, वेलकम टू माई किचन। आप सबका मेरे किचन में स्वागत है। तो चलिए आज की रेसिपी शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पे एक बड़ा परात लिया है। अब इसमें 2 कप आटा लिया है। आप किसी भी कटोरी से इसका मेजरमेंट कर सकते हैं, इसमें किसी कोई भी मेजरमेंट की ज़रूरत नहीं है वैसे। अब मैंने यहाँ पे 2 कप आटा लिया। अब इसमें 1 छोटी चम्मच अजवाइन डालेंगे और इसे थोड़ा हाथों से मसल के डालेंगे, इससे इसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा। अब इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ मेथी। तो मैंने यहाँ पर 1 बंच मेथी अच्छे से धो के साफ कर लिया है और इसे मैंने बारीक कट कर लिया है। आप बारीक कट करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो आप चॉपर से या फिर चाकू से भी बारीक कट कर सकते हैं। अब इसमें डालेंगे 1 चम्मच तिल, सफ़ेद तिल। ये डालने से इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, तो ये भी ज़रूर डालें अगर आपके पास है तो, नहीं तो आप इसके बगैर भी बना सकते हैं। अब इसमें डालेंगे 1 छोटी चम्मच नमक, 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर। अब इसमें हम डालेंगे एक ज़रूरी चीज़ जो गुजराती डिश में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, 2 चम्मच दही। और ये दही डालना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम मेथी का थेपला बना रहे हैं, तो थेपले में दही बहुत ज़रूरी होता है। अब इसमें डालेंगे बेसन, 2 चम्मच बेसन डालेंगे, और बेसन भी डालना बहुत ज़रूरी है। सबको यही लगता है कि मेथी का जो थेपला है और वो पराठा एक ही होता है, लेकिन नहीं, अगर हम दही आटे में दही डालते हैं तो थेपला बनता है, और अगर दही नहीं डाले हम पानी से आटा लगाते हैं तो वो पराठा होता है। अब इसमें डालेंगे 1 या 2 चम्मच तेल डालेंगे और इन सबको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। पहले हम पानी पहले नहीं डालेंगे, तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम थोड़ा सा सख्त आटा लगाएंगे, गीला आटा नहीं लगाएंगे, नहीं तो हमारे थेपले अच्छे नहीं बेले जाएंगे। तो आप इसे थोड़ा थोड़ा पानी, जैसे आपको ज़रूरत लगे तो उसके अनुसार पानी डाल के आटा लगा के तैयार कर ले। पहले अच्छी तरीके से मसल मसल के हम जितना अगर मेथी का पानी होगा सब निकल जाएगा आटे में, उसके बाद ही हम पानी डालेंगे इसमें। अब मेथी का थेपला और पराठा में डिफरेंस यही है कि मेथी का जब हम पराठा बनाते हैं उसमें हम दही नहीं डालते हैं और थेपले में दही डालते हैं। अगर आप ट्रैवल के लिए लेके जा रहे हैं तो ट्रैवल में लेके जाने के लिए थेपले बना रहे हैं तो उसमें दही से ही आटा लगाएं, पानी ना लगाएं, पानी से आटा ना लगाएं, नहीं तो पानी से अगर आटा लगाएंगे तो वो जल्दी ख़राब हो जाएगा। तो यही डिफरेंस है थेपला और पराठे में। तो देखिए मैंने आटा लगा के तैयार कर लिया है, और जब भी थेपले के लिए आटा लगाए आप उसी टाइम बना ले, रखे नहीं, नहीं तो इसका जो आटा थोड़ा गीला हो जाएगा। तो आप में और थेपले को हमें थोड़ा पतला ही बनाना होता है, तो हम छोटे छोटे बॉल्स तोड़ लेते हैं इस तरीके से और इसे बेल लेते हैं। आप इसे तेल लगा के बेल सकते हैं या फिर घी लगा के बेल सकते हैं या सूखा आटा डाल के बेल सकते हैं। तो आप इसे पतला ही बेले, मोटा ना बेले, थेपले ज़्यादा पतले ही अच्छे लगते हैं। तो सूखा आटा लगा के अगर बेलते हैं तो अच्छी पतला बेला जाएगा, लेकिन तेल लगा के बेलेंगे तो उतना पतला नहीं होगा अगर आटा आपका टाइट है तो। अगर आप आटा टाइट लगाएंगे तो तेल लगा के भी अच्छे से बेला जाएगा, अगर गीला होने से ये प्रॉब्लम आती है। तो देखिए मैंने पतला बेल लिया है थेपला, अभी से हम एक साइड में रखते हैं। देखिए मैंने कितना पतला बेला इसे, अभी से हम साइड में रखते हैं और दूसरा मैं बेल के दिखाती हूँ। तेल लगा के, तेल या घी जो आप लगा के बेलना चाहे बेल सकते हैं। अब इसके ऊपर तेल डालेंगे। आप अगर थेपले को और मसालेदार करना चाहते हैं तो इसमें आप थोड़े और मसाले ऐड कर सकते हैं, जैसे चाट मसाला हुआ, जीरा पाउडर हुआ, आप ये सब भी ऐड कर सकते हैं इसमें। तो ये देखिए मैंने तेल लगा के भी बेल लिया है एक। ये थोड़ा अगर गीला आटा है तो बेलने में प्रॉब्लम होती है, अगर सख्त आटा लगाया है तो ये जल्दी बेल जाएगा। तो मैंने इसी तरीके से थेपले बेल लिए हैं। अब चलिए सेक लेते हैं इसे, और इसे सेकने के लिए मैंने तवे को गर्म होने के लिए रख दिया है। और इसी तरीके से मैं सारा बेल लेती हूँ, फिर एक बार में हम सेक लेंगे थेपले को। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, शेयर भी कर देना, और कमेंट करके बताना मेरी रेसिपी कैसी लगी। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी।
तो देखिए मैंने थेपले को एक तरफ से सेक लिया है, दूसरे तरफ से भी हम इसको पलट देते हैं और सेक लेते हैं। अब थेपले सेकने के लिए अगर आप तेल लेना चाहते हैं तो तेल में भी सेक सकते हैं, घी में भी सेक सकते हैं, लेकिन अगर तेल में सेकेंगे तो ज़्यादा देर तक सॉफ्ट बने रहेंगे, अगर घी में सेकते हैं तो थोड़ा कड़क रहते हैं। तो जो आपको पसंद हो आप उसे सेक सकते हैं इसे, और इसे दबाते हुए कम आँच पे सेके तो अंदर तक सिकेगा और सॉफ्ट बनेगा थेपले। तो ये एक सिक चुका है, चलिए इसे साइड में रखते हैं, हम इसी तरीके से दूसरा भी सेक लेते हैं। ये बच्चों को बहुत पसंद आएगी और हेल्दी तो है ही, टेस्टी भी है। मेरे घर में मेरी बेटी को तो बहुत पसंद आया। अगर आपको पसंद आता है तो ज़रूर एक बार ट्राई करना। अगर वीडियो थोड़ा सा भी आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना। तो इसी तरीके से मैंने थेपले सेक लिए हैं, आप लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं बच्चों लोग को, बहुत अच्छी है। आप चाय के साथ भी खा सकते हैं इसे, अचार के साथ भी खा सकते हैं, दही के साथ भी खा सकते, जिस तरीके से आपको पसंद हो आप खा सकते हैं। इसे बना के आप रख भी सकते हो, 1 से 2 दिन तक खा सकते हैं। तो मैंने सारे थेपले सेक लिए हैं और ये हम दही और अचार के साथ खाएंगे। आपको किस तरह खाना पसंद है आप उस तरीके से इंजॉय कीजिए। तो ये हमारा थेपला बनके तैयार है, मैंने इसे दही और अचार के साथ सर्व किया है। अब मैं आपको दिखाती हूँ थेपला हमारा कितना सॉफ्ट बना है, अगर हम इसे मोड़ेंगे तो आसानी से मुड़ जाएगा। तो देखिए हमारा थेपला एकदम सॉफ्ट नरम मुलायम जैसा है, रुई के जैसा। ये थेपला हमारा बनके तैयार हो गया है, आप भी इंजॉय करें। वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, शेयर कर देना। मैं मिलती हूँ नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।